तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमी एक्सप्लेनेशन में, और आज हम करने वाले हैं नारुतो के 148 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बात कर रही होती है शिजुने से नारुतो के रोकने की, और तभी वहाँ पर कीबा, अकामारु, शिनो और हिनाता आते हैं नारुतो से मिलने, और फिर वो लेडी जुनाटे से मिलते हैं। तो लेडी जुनाटे को पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि कुरानाई सेंसेई भी ठीक होने वाली है। और यहाँ पर हिनाता नारुतो को फूल देने आती है, तो शिनो बोलते हैं कि तुम फूल किसके लिए लेके आई हो, तो वो बोलती है कि नारुतो के लिए। तो यहाँ पर कीबा उसको छेड़ रहा होता है, और वो बोलता है कि इसका गाल लाल हो जाता है जब सामने नारुतो आता है। तो हिनाता बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आज तुम देखते जाओ मैं उससे कैसा मिलूंगी। और फिर वो दरवाजा खोलती है, तो ऐसी दरवाजा खोलती है सामने नारुतो उल्टा टांगा हुआ रहता है, और वो बोलते हैं कि आप आ गए क्या जुनाटे, और सामने हिनाता लाल हो जाती है। तो यहाँ पर नारुतो बराबर ही सामने खड़ा हुआ रहता है, और वो हिनाता लाल हो जाती है, और वो गलती से टक्कर मार देती है नारुतो को। और जैसे ही वो नारुतो को टक्कर मारती है, नारुतो उड़ते हुए जाता है और दीवार से जाकर टकरा जाता है। तो हिनाता यहाँ पर बेहोश हो जाती है, और वो नारुतो नारुतो कर रही होती है, और यहाँ पर वो पूरी लाल हो जाती है। तो यहाँ पर कीबा और अकामारु हिनाता को भी कुरानाई सेंसेई के बाजू में एडमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुरानाई सेंसेई पूछती है कि आखिर मिजुकी का क्या हुआ, वो भाग के गया था तो उसके आगे का क्या हुआ। तो यहाँ पर शिजुने बताती है कि लेडी जुनाटे ने उससे बहुत ही पूछने की करा, पर उसने एक भी नहीं खोला। उसको ये पता ही नहीं था कि ओरोचिमारु तबाह हो चुका है, नारुतो और मास्टर जिराया ने सब मिलकर खत्म कर दिया था। उसे लग रहा था कि ओरोचिमारु अभी भी साउंड विलेज में है। तो यहाँ पर कीबा बोलता है कि नारुतो को कितना बुरा लग रहा होगा ये सुनकर, उसे सास्के को बचाना था। नारुतो बोलता है कि मुझे सास्के को बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो लेडी जुनाटे बोलते हैं कि नहीं, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्क वाला काम है और हमें पता नहीं है वो लोग कहाँ है। तो लेडी जुनाटे बोलती है तुम ट्रेनिंग क्यों नहीं कर लेते। तो नारुतो बोलता है कि मास्टर जिराया भी गए अपने ट्रेनिंग पे, आपने उसे मिशन पे भेजा था तो मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर नेजी अपने चाचा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और फिर वहाँ पर हिनाता आती है और नेजी और उसके चाचा के लिए चाय और स्नैक रखती है। तो उसके चाचा देखते हैं कि हिनाता ने चाय बना के आई है, तो वो नेजी को बोलते हैं कि चलो अब बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर लिया है, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो वो चाय पी रहे होते हैं, तो उसके चाचा बोलते हैं कि ये नेजी के, ये हिनाता के लिए बहुत ही अच्छा है कि नेजी तुमको वो देख रही है, उसे ट्रेनिंग के लिए सीख मिलेगी अच्छी। तो नेजी बोलते हैं क्या वो मुझे देखती है। तो यहाँ पर हिनाता ट्रेनिंग कर रही होती है, और यहाँ पर शिनो पीछे छुपे हुआ रहता है। तो हिनाता अपने बियाकू गन इस्तेमाल करती है वापिस से, और यहाँ पर शिनो और कीबा हिनाता की तरफ सभी शुरिकेन फेंकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही शुरिकेन फेंकते हैं बहुत ही ज्यादा धुआं धुआं हो जाता है, पर हिनाता सभी शुरिकेन को बिना लगे गिरा देती है। तो यहाँ पर हिनाता, कीबा, शिनो, अकामारु बैठ कर खाना खा रहे होते हैं। तो कीबा बोलते है कितना अच्छा लग रहा है हमें एक साथ बैठे है। तो हिनाता बोलती है कि कितना बुरा लग रहा है मुझे नारुतो के बारे में, क्योंकि सास्के उसके साथ नहीं है। तो शिनो बोलते है क्या सास्के उसके साथ नहीं है तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ उसका एक पार्टनर नहीं है, हम कुछ मदद नहीं कर सकते नारुतो की। तो शिनो बोलते है कि एक रास्ता है, और फिर वो लोग जाते हैं लेडी जुनाटे के पास, और वो बोलते है कि लेडी जुनाटे हमारे पास एक रास्ता है, बिकोचू बीटल, बिकोचू बीटल के मदद से हम ढूंढ पाएंगे। तो शिजुने पूछती है कि ये बिकोचू बीटल क्या है। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि बिकोचू बीटल एक ऐसी चीज होती है जो एक बग रहता है, और बहुत ही कम साल के बारिश के सीजन में अपना एग देता है, और उसका एग एक दिन के अंदर ही होते होते एक पूरा बीटल बन जाता है। और फिर जैसे ही वो एग से बीटल निकलेगा, हम किसी भी चीज़ को अगर सुंघाएंगे तो वो बीटल जिस चीज़ की है वो बीटल उस इंसान के पीछे चलना चालू हो जाते हैं, और चाहे वो इंसान कितना भी छुप जाए वो बीटल उस इंसान को ढूंढ लेते। तो लेडी जुनाटे बोलते हैं वो तो बहुत ही कम साल में अपने अंडा देते हैं। तो शिनो बोलते हैं कि यही साल की बारिश में वो लोग अपना अंडा देने वाले हैं, और बारिश का सीजन बस दो दिन में आने ही वाला है। तो लेडी जुनाटे सोचते हैं कि ये बहुत ही सही चांस है सास्के को ढूंढने का, और उसके बाद बोलती है तो ठीक है, तो मैं तुम्हें अपॉइंट करती हूँ एक मिशन के लिए, और कि शिनो उस टीम के लीडर होगा, और साथ ही साथ तुम्हारे साथ ये भी आएगा। और तभी लेडी जुनाटे ऊपर वॉल पे कुनाइफ मारती है, और अचानक से ही वहाँ की टाइल्स गिरती है, और वहाँ से नारुतो बाहर आता है। तो नारुतो बोलते हैं कि हाँ मैं भी साथ दूंगा ये मिशन में। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि तुम्हें एक वादा करना होगा, अगर तुम भी कुछ बीटल नहीं ढूंढ पाए तो तुम सास्के को ढूंढने की जिद हमेशा के लिए छोड़ दोगे। तो नारुतो बोलते हैं कि हाँ ठीक कहा आपने, अगर मैं बीटल को नहीं ढूंढ पाया तो मैं सास्के को ढूंढने की इच्छा छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है तो ठीक है शिनो, तुम अपना मिशन चालू कर सकते हो और तुम लीडर हो। तो यहाँ पर हिनाता जा रही होती है, तो उसके डैड बोलते हैं कि आज तुम चाय नहीं बनाओगी। तो हिनाता बोलती है कि मैं एक मिशन पे जा रही हूँ इसलिए मैं आज चाय नहीं बना सकती हूँ।
तो उसके डैड कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम मिशन पे जा रही हो, पर अगर तुम उनकी मदद नहीं कर सकती हो तो उनको परेशान भी नहीं करना। तो यहाँ पर नारुतो अपना सामान भर रहा होता है और वो सास्के का बेल्ट देख के बोलते हैं कि सास्के मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और यहाँ पर हिनाता जा रही होती है तभी सामने से नेजी आता है, पर हिनाता बचकर चले जाती है। तो यहाँ पर नेजी सोचता है कि आखिर हिनाता मेरे से बिना टकराए कैसे चले गई, वो तो टकराना चाहिए था। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है कि हिनाता तुम लोग कितने लेट आए हो, मैं कब से यहाँ पर खड़ा हूँ। तो यहाँ पर हिनाता बोलती है कि ये सब मेरी वजह से लेट हुए हैं। तो नारुतो बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी हम मिशन पे जा रहे हैं, और नारुतो भागना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर नारुतो के पीछे कोई आ रहा नहीं होता है। तो नारुतो बोलता है कि तुम लोग आ क्यों नहीं रहे हो। तो शिनो बोलता है कि इस मिशन का लीडर मैं हूँ, इसलिए जो मैं बोलूंगा वो सब लोग फॉलो करेंगे। तो नारुतो बोलता है कि हम थोड़ा जल्दी नहीं जा सकते। तो शिनो बोलता है कि बारिश आने में और 2 दिन है, तो हम आराम से जाएंगे। तो यहाँ पर कीबा बोलता है कि आदत हो जाएगी तुम्हें नारुतो, जब तुम शिनो को अच्छे से जानने लगोगे। तो यहाँ पर नारुतो बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। फिर वो बोलता है कि हिनाता बोलती है कि कीबा सही कह रहा है, तुम उन्हें जानने लग जाओगे। तो इतने में यहाँ पर शाम हो जाती है और यहाँ पर शिनो बोलता है कि हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो नारुतो बोलता है यहीं पर। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे पूछती है, सोकरा तुम्हारे सब दोस्त मिशन पे गए, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो। तो यहाँ पर सोकरा सोचती है कि सबके पास अपनी अपनी एबिलिटी है, हिनाता के पास बियाकुगन है, शिनो के पास अच्छा दिमाग है, और कीबा के पास सुनने की शक्ति है, और साथ ही साथ नारुतो भी है। तो वो सोचती है कि मुझे जाकर कोई फायदा नहीं है, मुझे अपनी मेडिकल निंजा की ट्रेनिंग यहाँ पर करनी होगी, और साथ ही साथ मुझे अच्छा मेडिकल निंजा बनना होगा। शिनो बोलता है कि चलो टेंट के अंदर हमें सोना चाहिए। तो नारुतो बोलता है कि इतना जल्दी मैंने कभी नहीं सोया हूँ। तो शिनो बोलता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी होगी क्योंकि मैं लीडर हूँ, और हमें बक के हिसाब से उठना पड़ेगा और सोना पड़ेगा। तो यहाँ पर नारुतो टेंट के अंदर जाता और जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं नारुतो वहीं पर ही सो जाता है। तो शिनो, अकामारू, कीबा और साथ ही साथ हिनाता बोलते हैं कि ये देखो, ये हमें बोल रहा था और कितना जल्दी सो गया। तो यहाँ पर रात हो जाती है और हिनाता उठ के देखती है अपने दोस्त लोग को, और वो बाहर कहीं पर चले जाती है। तो तभी वहाँ पर नारुतो भी उठता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत जोर की सुसु आई है। तो वो सुसु करने के लिए चले जाता है। तो यहाँ पर वो जंगल में खड़े होकर सुसु कर रहा होता है, उतने में उसको पानी की आवाज़ आती है। तो वो पानी के पास जाकर छुप देख रहा होता है। तो वो देखते हैं कि एक लड़की जो पानी के ऊपर अपना पानी के साथ डांस कर रही होती है, और पानी भी बराबर उसको कंट्रोल कर रहा होता है। जैसी वो अपनी मूवमेंट कर रही होती है तो पानी भी उसे कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये कोई और नहीं, ये हिनाता ही होती है। तो नारुतो उससे मिलने के लिए जाता है, तो नारुतो जैसे ही गिर जाता है पानी में फिसल के, तो वो देखते हैं कि सामने से लड़की चले जाती है। तो यहाँ पर कीबा बोलता है कि क्या वो ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात सोए नहीं हो। तो नारुतो बोलते हैं कि मैंने कल रात में एक लड़की को देखा था जो बहुत ही अच्छी और सुंदर दिख रही थी, और वो नाच रही थी तो उसके साथ पानी भी नाच रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो वो करेगी तो पानी भी वैसे ही उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हिनाता ही रहती है वो लड़की। तो यहाँ पर हिनाता बहुत ही ज्यादा लाल हो जाती है। तो यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो हिनाता को पूछता है, हिनाता तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी लाल क्यों हो गई। तो हिनाता बोलती है कुछ नहीं, मैं ऐसे ही हो गई थी। तो यहाँ पर फ्रूट्स देख रहा होता है कि ये जहरीले फ्रूट्स है कि नहीं। तो वो बोलता है कि ये फल हम खा सकते हैं। तो यहाँ पर कीबा और अकामारू बोलते हैं कि चलो आज हम भरपेट खाएंगे। तो वो बोलता है कि बड़े फल मत खाना। तो यहाँ पर कीबा पीछे देखता है, वो बोलते हैं कि नारुतो तो ये खा रहा है, और नारुतो यहाँ पर बहुत बड़ा सा फल खा रहा होता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो फल खाते हैं तो शिनो बोलते हैं कि अभी से पेट दर्द चालू हो जाएगा, और उसका पेट दर्द चालू होना शुरू हो जाता है, और वो टॉयलेट पे टॉयलेट भाग रहा होता है, उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर में वापिस से हिनाता कहीं पर उठ के चले जाती है। हिनाता यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, और वो बोलती है कि मुझे जितनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उतनी ट्रेनिंग मैं करूंगी। तो यहाँ पर शिनो, अकामारू, कीबा और आ जाते हैं, और यहाँ पर शिनो बोलता है कि यही है बिकोचू बैटल फॉरेस्ट। और यहाँ पर देखते हैं तो इतना बड़ा जंगल रहता है। तो नारुतो ये जंगल को देख कर चौंक जाता है। तो वो बोलते है क्या ये बिकोचू बैटल फॉरेस्ट। नारुतो यहाँ पर उतर रहा होता है और शिनो बोलता है कि संभल के उतरो, मैं तुम्हारा लीडर हूँ तो तुम मेरे बाद उतरो। तो नारुतो बोलता है कि तुम हमेशा मुझे यही बोलते हो। और यहाँ पर नारुतो फिसल जाता है और वो गिरने लग जाता है। तो यहाँ पर हिनाता नारुतो को देखती है और वो चिल्लाती है। तो यहाँ पर जो शिनो रहता है अपने बक्स की मदद से नारुतो को पकड़ लेता है। तो वो बोलता है कि मैंने कहा ही था ना। तो नारुतो बोलता है मुझे मत सिखाओ। तो यहाँ पर ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पर शिनो बोलता है कि हम बिकोचू बीटल फॉरेस्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ के ऊपर 3 लोग रहते हैं वो नारुतो और बाकी सबको देख रहे होते हैं, और वो बोलते हैं लगता है ये भी बिकोचू बीटल के लिए आए हैं, और बीटल तो हम ही लेके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसमें हमारा हक है। तो यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। तो सब्सक्राइब करें।